कि वाल्मीकि कम्युनिटी को इसलिए उनके धर्म को भंग किया गया, तब उनको भंगी कहा गया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की मुगलों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। वो मेरे समाज को, मेरी बहन बेटी को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, ये जब तक वाल्मीकि समाज 22 प्रतिज्ञा नहीं लेगा जब तक मेरा समाज नहीं उठेगा। उनकी उनको इधर ऐसे एटमोसफेयर में, एक ऐसे वातावरण में उनको रख दिया गया है कि वो चाहकर भी है ना उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये अपना मंदिर पूजा में लग रहे, मूर्ति पूजा में लग रहे। दूसरा, इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे हैं कि इधर जाके कोडा हो जाए, इधर जाके मोदा हो जाए। ये जीजा जी की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी में भगत की इज्जत होती है। ये फलाना भगत जी, वहाँ का गुरु जी, उसका चेला, उसका चेला, सब करनी भरनी यही है, यही भुगतता है इंसान। अरे कमा के खा लो भाई, कुछ नहीं है सही चीजें, गुमराह मत करो समाज को। समाज बिल्कुल कोमा में चला गया है, समाज बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया है, समाज बिल्कुल आईसीयू में है इस टाइम। लेकिन एक बड़ा सवाल विनोद जी ये खड़ा होता है, इस देश में एक जाति है वाल्मीकि कम्युनिटी, आज तक आजादी के इतने साल हो गए हैं और कोई भी राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व क्यों नहीं निकल पाया? वाल्मीकि कम्युनिटी जो है ना संघर्षशील कम्युनिटी है। यदि हम इसके इतिहास में जाकर देखें तो वाल्मीकि कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो सचमुच में, जो जिसे बोलते हैं क्षत्रिय कम्युनिटी, जो कभी मुगलों के टाइम में भी झुकी नहीं, ना झुकने की वजह से ही। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आप गूगल में भी जाकर देखेंगे तो आप मिलेगा आपको कि वाल्मीकि कम्युनिटी को इसलिए उनके धर्म को भंग किया गया, तब उनको भंगी कहा गया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की मुगलों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। जो लोग कन्वर्ट हो गए वो लोग कोई मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई अन्य धर्मों में चले गए, लेकिन वाल्मीकि जो है झुके नहीं। क्या कहेंगे अभी वर्तमान स्थिति तो बस से बदतर है सर, वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से देखें? वर्तमान स्थिति में क्या है, वाल्मीकि को एक अच्छा लीडर इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनके कैडर कैंप नहीं हो पा रहे हैं, और कैडर कैंप में इनका आना जरूरी है। किसी भी तरीके इनको कैडर कैंप में लाया जाए, तब इनको यूनाइट किया जाए, तब ये इस बारे में कुछ सोचे, क्योंकि अभी तो बिखरे में, इनको एक लीडर मिल ही नहीं रहा। लीडर की इनको तलाश है, लीडर इनको चाहिए, लेकिन इनको लीडर मिल नहीं रहा। अच्छा भाई, अगर हम देखें तो लीडरशिप की बात करें तो अगर हम देखें तो काशीराम जी इतने बड़े लीडर हुए हैं और उनको भी मिशन मूवमेंट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो वहीं पे दीनावाना जी से मुलाकात होती है, जो एक इंसिडेंट उनके साथ होता है काशीराम जी के साथ, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि मिशन मूवमेंट की जानकारी नहीं है, कैडर नहीं है उनको वाल्मीकि कम्युनिटी। वाल्मीकि कम्युनिटी जो काशीराम जी के जो गुरु थे, जो जिसने वो झंडा उठाया था, उनका झंडा उठाकर काशीराम जी आगे चले थे, वो वाल्मीकि जी थे। लेकिन वाल्मीकि जी को क्या है, उस लेवल पे इनके जो मेहनत को ना हाईजेक किया गया। दीनावाना जी, हाँ वो तो वाल्मीकि थे ना, इनकी मेहनत को ना हाईजेक किया गया, जबकि उन्होंने ही वो संघर्ष का जो झंडा है ना काशीराम जी को उन्होंने ही दिया था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। भारत चौधरी जी क्या कहेंगे, आप तो बिल्कुल जमीनी स्तर के नेता हैं और पिछले 10-15 सालों से मैं आपको जानता भी हूँ, काफी लंबा वक्त आपने इस समाज में दिया है, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर्डल्स हैं इस कम्युनिटी को उस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पे नेतृत्व इसको नहीं मिल पा रहा है जबकि दमदार लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भरत चौधरी? मैं इसके अंदर यही कहना चाहूंगा विकास जी आपको कि जो भी इस वाल्मीकि कम्युनिटी का जो भी नेतृत्व करने अब तक जो लोग आए हैं, जो सच्चे लोग आए, उनको कुछ स्वार्थी लोगों ने काम नहीं करने दिया। जो सच्चे लोग अगर आए भी हैं तो उनको स्वार्थी लोगों ने, जो कि पार्टी के गुलाम हैं, जो एक एक उसका ब्रोकर का काम करते हैं, जिसे कहते हैं, मैं खुले शब्दों में कहूँ तो ये लैंग्वेज ठीक नहीं होगी मगर ये मेरा दर्द और मेरा गुस्सा बोल रहा है, जिसे कहते हैं दलाल। जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, जो सच्चे लोग बेचारे काम करना भी चाहते हैं, उनको वो लोग काम नहीं करने देते, उनको सामने ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसा उनको इरिटेट कर देते हैं, उनको इतना परेशान कर देते हैं कि बेचारा वो अपने बैक टू अपने घर जाने की वो सोचता कि यार आपस में ही लड़ूंगा, आपस में ही करूँगा तो समाज की जगह सही होगी। तो इसलिए ना जो ब्रोकर है ना, जो दलाल हैं, दलालों ने अधिकतर इस समाज पर कब्जा किया हुआ है और वो समाज को बेचने का काम करते हैं। विनोद जी भाई, दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो वाल्मीकि कम्युनिटी की राजनीति है वो सिर्फ निगम और सफाई कर्मचारियों तक ही सीमित है, जो राष्ट्र लेवल के मुद्दे हैं, एजुकेशन है और जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वाल्मीकि जाति बात ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रही है तो सफाई कर्मचारियों को। अगर पूरे देश में अगर बात अगर वो जाना भी जा रहा है तो सिर्फ ये कि हाँ वाल्मीकि कम्युनिटी ठीक है सफाई कर्मचारी।
वाल्मीकि कम्युनिटी की जहाँ तक बात करें, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग ना अभी मैं हायर कैडर पे मैं उसमें जाता हूँ, भारत जी भी जाते हैं, उन्होंने भी मुझे मिलवा, मैं भी खुद जाता हूँ, वो भी हायर कैडर पे लोग मैं देख रहा हूँ वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो जो भी आदमी हायर कैडर पे चलाता है वो अपने आप को उनसे थोड़ा अलग कर लेता है, और जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो आपने बोला कि सफाई कर्मचारी या जो कॉरपोरेशन में जो नेतागिरी कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों पर नेतागिरी कर रहे हैं जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, और उनमें भी कहीं ना कहीं उनका छोटमोट कुछ उनका स्वार्थ रहता है, ऊपर की बात वो सोच नहीं पाते हैं, और जो कोई हमारे साथ आदमी कोई पढ़ा लिखा आदमी उनको कुछ बात समझाने की कहने की कोशिश करता है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनको कैडर कैंप नहीं मिल पाता, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और वाल्मीकि जाति को तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरा अपने खुद का अनुभव है, हमें तो SC ST के अंदर भी हमें छुआछात का सामना करना पड़ता है, मैंने खुद किया है, यानी कि 21/12/2022 को मैंने अपना गांधी पीस फाउंडेशन प्रोग्राम किया था जहाँ गेस्ट बुलाए गए थे, उन गेस्ट के अंदर भी दूसरे SC ने उस गेस्ट को जाकर, चीफ गेस्ट को जाकर ये बोला कि विनोद तो निचली कास्ट का है, जबकि वो खुद शुल्क कास्ट है, विनोद तो निचली कास्ट का है, आप वहाँ पर अटेंड ना कीजिए, और उस गेस्ट ने उनको पूरा फटकार लगाई, बोले कि हम जाति को एक जोड़ने की बात कर रहे हो और आप तोड़ने की बात कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं लोगों में जाति है, और लोग क्या है कितनी भी निचली जाति का हो अपने से निचली जाति वाला आदमी ढूंढ ही लेता है, उसमें बोलेगा मैं तुमसे ऊपर हूँ। अच्छा, लगातार इल्जाम ये भी लगा जाते हैं कि वाल्मीकि कमेटी वो अम्बेडकराइज नहीं है, अम्बेडकर को नहीं मानती है, ये तो हिंदू धर्म को ढो रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने ये कहा था कि मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अगर अम्बेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो भारत से लेटर जाएंगे, तो ऐसे में पंजाब से जो वाल्मीकि कमेटी थी उन्होंने खून भरे लेटर भेजे थे वहां पर, और वो लेटर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जिलों से एक दो करके ऐसे लेटर आए थे, अलग अलग राज्यों से आए थे, तो कहीं ना कहीं वहां पर अम्बेडकर को जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था दलितों को। इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा जहां तक हिंदू धर्म की मानने की बात है, या तो मानो या मत मानो, जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो SC ST हैं, वो कहते हैं हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, जिनके रिकॉर्ड में जाके देखो तो वहां पर कोई बुद्धिस्ट नहीं है, सारे हिंदू ही अपने आप को लिखते हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो अपने आप को हिंदू लिखते हैं, यदि वाकई में वो हिंदू को नहीं मानते तो फिर मत मानो, आप वहां से रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाओ और वहां पर बुद्धिस्ट लिखवा दो, कुछ और धर्म लिखवा दो, फिर आप हिंदू के अंदर रह क्यों रहे हो, हिंदू के अंदर नहीं रहना चाहते हो। लेकिन इल्जाम तो लगातार वाल्मीकि कमेटी पे ही लग रहा है ना, वाल्मीकि कमेटी अम्बेडकर को नहीं मानती है, वो तो हिंदू धर्म को ढो रही है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये इल्जाम जो है ना एकदम सरासर गलत है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि हम जो वाल्मीकि कम्युनिटी जो अम्बेडकर को नहीं मानती है, वाल्मीकि कम्युनिटी अम्बेडकर को ज्यादा मानती है, औरों के मुकाबले में ज्यादा मानती है, क्योंकि वाल्मीकि कम्युनिटी कभी भी अम्बेडकर के यूं समझिए कि उसके सिद्धांतों को वो लेकर चलती है, बट उनको एक दिशा एक रास्ता नहीं मिल पा रहा जिससे कि लोग वो एक रास्ते पे चल पाए, उसको वो लीडरशिप मिल पाए, उनको वो लीडरशिप नहीं मिल रही, उनको सिर्फ क्या है कोई भी पार्टी रहे कोई भी संगठन रहे उनको सिर्फ यूज किया जाता है और वो यूज हो जाते हैं बेचारे क्योंकि उनकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है। जी भरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, एक वाल्मीकि कमेटी का घर है वो क्यों मतलब उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है? देखिए, अभी जैसे मेरे बड़े भाई विनोद जी ने कहा कि अम्बेडकर को मानते हैं, या आपने कहा कि हिंदू धर्म को ढो रहे हैं, ये कैडर कैंप की कहीं ना कहीं कमी है। कैडर कैंप जिस तरीके से और कम्युनिटी जो कैडर कैंप लगाती है, इस तरीके से हमारे कैडर कैंप नहीं लगते। हमारे अभी लोग इतने सक्षम और इतने इतने वो नहीं हुए कि वो आके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या विज्ञान भवन में या अम्बेडकर भवन में या एनी हाउ कहीं भी करें। मेरा सुझाव ये है कि भरपूर जोर है ये मेरा सुझाव कि हमने 100-150 लोग ही हैं दिल्ली में, हद मार के 200 लोग लगा लो जो आपस में ही मीटिंग करते हैं, आपस में मीटिंग करके अपने विचार देकर आपस में ही एक दूसरे को डरा के चमका के माइक में बोल के पगड़ी माला पहन के अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर जो असली मैसेज जो हमारी जो बस्तियां हैं जहाँ मेरी वाल्मीकि समाज मेरी वाल्मीकि कम्युनिटी रहती है जो कि स्लम एरिया में रहती है, जे क्लस्टर में रहती है, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, दक्षिणपुरी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, माधीपुर, शकुरपुर, यहाँ मेरा समाज रहता है, तो वहाँ कैडर कैंप लगने चाहिए और वहाँ मोहल्लों में लगने चाहिए और उन मोहल्लों में हमारी बहन बेटी, हमारी माँ, हमारे बच्चे उस कैडर कैंप को आके अटेंड करें, तब उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और रियलिटी क्या है और देश में हो क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या हमारे 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 राइट्स हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं। हम
वही 100-200 लोग होते हैं, वही आपस में मीटिंग करके चले जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि कैडर कैंप लगाया जाए और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं जो ली थी, ये घर घर में जाया जाए। लेकिन भक्ताई करने वाले लोग कैसे यहाँ तक आएंगे? तो जब बाबा साहब के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, हम जाके अगर हम बताना भी चाहते हैं तो देखो, एक एक घर में जाना, एक एक बंदे के पास जाना नामुमकिन है, नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वाल्मीकि समाज दिल्ली की, हम पहले दिल्ली की बात कर ले, वाल्मीकि समाज दिल्ली में 40 से 45 लाख बताया जाता है, बताया क्या जाता है, मैंने भी काम किया है और है इतना। जो लोग कहते हैं नहीं ये नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, हमारा वाल्मीकि समाज 40 से 45 लाख दिल्ली के अंदर रहता है। मगर उस इसके अंदर नेतृत्व की कमी है, और जो समाज, और ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो मेरे समाज के जो समाज में काम कर रहे हैं, जो समाज के जो संचालित कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जाके हमारी बस्तियों में कैडर कैंप लगाएं। तो मेरा पुरजोर ये है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं है ना, मेरा ये सुझाव क्या, मैं खुद अभी करने वाला हूँ, मैं हर बस्ती में जाऊंगा और मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने जो ली थी, वो मेरे समाज को, मेरी बहन बेटी को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। ये जब तक वाल्मीकि समाज 22 प्रतिज्ञाएं नहीं लेगा, जब तक मेरा समाज नहीं उठेगा। विनोद जी, लास्ट सवाल है मेरा, 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है वाल्मीकि कमेटी का क्या भविष्य है इस भारत में? 2024 को जहां तक इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक तो खैर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हम कह दें कि इनके पास एक दिशा है, इनके पास कोई दिशा नहीं है कि ऐसी कोई इनके पास दिशा हो कि इनका कोई नेतृत्व कर रहा हो कि ये उस तरफ जाएंगे 24 के अंदर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये लोग कहीं ना कहीं उस जगह जाएंगे जो कि बाकी जो पार्टियां हैं, जो जहाँ उनको महत्व नहीं मिला है, तो उसके खिलाफ ये वोटिंग करें। कुरुतिया एक हो तो बताएं, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मगर मैं कोई अपने समाज की कोई बुराई या अपने समाज की कोई मैं मिथ्या नहीं कर रहा। उन बेचारों की मेंटेलिटी ऐसी है, उन बेचारों की उनकी उनको ही कहना, ऐसे एटमोसफेयर में, एक ऐसे वातावरण में उनको रख दिया गया है कि वो चाहकर भी है ना उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे ये हमारे साथ ना प्रीपेयर प्लानिंग के साथ हो रहा है, जैसे कि हमारी बस्तियों में ना दो चीज बड़ी बड़ी इस ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मण बनियों ने हमारे ऊपर, हमारे पे थोप रखी और घेर रखा है कि इन बंदों को निकलने नहीं देना। एक तो हमारी बस्तियों में ना मंदिर बहुत सारे बना रखे हमने चारों तरफ कि ये अपना मंदिर पूजा में लग रहे, मूर्ति पूजा में लग रहे। दूसरा, इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे हैं कि इधर जाके कोडा हो जाए, इधर जाके मोदा हो जाए। बस ये दो चीजें से हमें घरों में और क्या, घरों में तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ दामाद की, जीजा जी की बड़ी इज्जत होती है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है दामाद जी की। तो इतनी इज्जत ना दामाद जी की नहीं है जितनी इज्जत हमारे यहाँ पे ना भगत बोलते हैं। भगत मीन्स बोले तो जैसे स्टैंडर्ड में जिसे कहे तो ज्योतिषी, तो उसको हमारी कम्युनिटी के अंदर भगत कहा जाता है। तो भगत वो बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल आदमी होता है, पंडित जी जिसको पंडित जी बोलते हैं, मगर हमारे में भगत बोलते हैं। तो वो भगत इतना हरामी होता है, इतना इतना शार्प माइंड का होता है कि शरीफ आदमी तो भगताई कर नहीं सकता, पंडिताई कर नहीं सकता। जो आदमी चलाक होगा, तेज होगा, वही इन चीजों को करता है कि कुछ काम ना करना पड़े और अपने बैठे बैठे अपने लोगों को गुमराह करूं, पागल बनाऊं और अपना पेट पालूं। तो क्या यही मेन वजह है जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें हो रही? हाँ, तो है ना जो मैंने कहा था कि जीजा जी की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी में भगत की इज्जत होती है। भगत को ऐसे लेके आएंगे ढोल बजा के जैसे पता नहीं वो कौन, मतलब बहुत बड़ी डिग्निटी आ रही है, बहुत बड़ा मतलब कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, उसकी पूरा परिवार उसकी ऐसा वेलकम करता है, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदारों को बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे, खाना बनता है और सब कुछ बनता है घरों के अंदर। और जी पूरा उसका ना दामाद की भी इतनी इज्जत नहीं होती, उसका पूरा कपड़े लत्ते, उसको इवन उसको ज्वेलरी तक उसको दी जाती है, उसकी पूरी फैमिली को, उसका मान भी मान तक करते हैं। मतलब दामाद बेचारा बैठ के देख रहा है जो उनकी लड़कियों को लेके गया, जो इज्जत कर रहा है उनकी लड़की को, उनकी मतलब रख रखाव कर रहा है, उसको बेचारा हुआ वो मतलब दूर दूर बैठ के देख रहा है और भगत की पूरी इज्जत हो रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारी कम्युनिटी में। 10-10 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है? 10 साल का बच्चा एक मासूम होता है, उसको आप जैसे ढालोगे साचे में वैसे वो बन जाएगा। उसको भगत को उसको भगत बनाया जा रहा है। अरे उसकी स्कूल की उसकी स्कूल का टाइम है उसको, और उसको आप भगत बना रहे हैं। तो यार फिर ये तो आप समझ सकते हैं, फिर समाज का बेड़ा गर्क तो होना ही है। ये हमारे हर मोहल्लों में ये सिचुएशन है। हमारी बस्ती में ये लोग अपने बोर्ड लगाते हैं भगत के कि फलाना भगत जी वहां का गुरु जी, उसका चेला, उसका चेला। तो समाज के ठेकेदार जो बनते हैं वो विरोध ही नहीं करते, वो मूक दर्शन के देखते रहते हैं।
और उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, उनकी कोई सुनता नहीं है, नहीं जी नहीं आपको नहीं मालूम हमारा तो इसकी होने से हमारा तो ये हो गया, हमारा तो बहुत हम तो सुख पा गए, ये हो गए, मतलब कोई अगर हमारे हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी में अगर छींक भी आ जाए ना तो उसको ना उसको डॉक्टर के नहीं लेके जाएंगे, उसको कहेंगे जी भगत को बुलाओ, इसका तो ना ओपरा हो गया, इसका तो ना पैर आ गया उसमें चौराहे में, या एनी हाउ जो भी आप समझ रहे हैं, कुछ चीजें पढ़ देगी जो मैं नहीं बोल पा रहा, तो मेरी बात अंडरस्टूड है, समझ रहे हैं लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन चीजों से हमें निकलना होगा, और जो भी जिन्होंने भी अपने संगठन बना रखे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अपने घर में ना बैठे। राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 आदमी आपको जानते नहीं है, हैं घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पढ़े लिखे आप है नहीं, आप ग्रेजुएट आप है नहीं, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। किसने बनाया आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष? कोई वोटिंग हुई है? कोई प्रस्ताव पास हुआ है? कोई सरकार ने बनाया आपको? पांच आदमी इकट्ठे होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेता अपने आपको, उसको शर्म भी नहीं आती यार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, उसकी कितनी मजाक उड़ती है उसको पता ही नहीं है, अपने नाम के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर रखा, गली में कोई जानता नहीं उसको। तो ये बेकार की बातें हैं, ये समाज का मजाक उड़ता है, इससे बखोल उड़ता है। मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अगर पद आप ले रहे हैं तो कोई पद ढंग का लो, ढंग का कुछ बनाओ, अरे दिल्ली को तो संभाल लो, अपने मोहल्ले को तो संभाल लो, जिसको जहां पर आप रह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अपने आपको कह रहे हैं, आपने जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं आपने वहां वाल्मीकि मंदिर का सही ढंग से रख रखाव कर रखा है? आपके वहां वाल्मीकि चौपाल है? जो करने का काम हो वो कर लो यार, हवाबाजी कर रहे हो, समाज को गुमराह कर रहे हो, समाज को लूट रहे हो, सब करनी भरनी यही है, यही भुगतेगा इंसान। अरे कमा के खा लो भाई, कुछ नहीं है सही चीजें, गुमराह मत करो समाज को, समाज बिल्कुल 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 कोमा में चला गया है, समाज बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया है, समाज बिल्कुल आईसीयू में है इस टाइम। जी विनोद जी क्या कहेंगे, कैसे आईसीयू से बाहर निकले? वही उनको एजुकेट किया जाए, कैडर कैंप उनके लगाए जाए, उनके जो जगह जगह उनकी मीटिंग्स हों उनको समझाया जाए और लोग भी उसमें आए और उसमें हिस्सेदारी लें उसके।